जेल सुप्रिंटेंडेंट ने और अपना जो है एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित किया है कि उसको लिया जाए फॉर जुडिशियल रिमांड, और नहीं आने की वजह से जुडिशियल रिमांड नहीं हो पा रहा है। जब तक जुडिशियल रिमांड नहीं होगा तब तक कोई उसकी तरफ से जेल पे रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता है। और चेन्नई में वो जो है वो जेल के अंदर है, तमिलनाडु स्टेट। किसी प्रकार का कोई बेल या उसके पति कोई किसी तरह का आवेदन मेंटेनेबल नहीं है, इंटरटेन नहीं होगा न्याय पालिका में। एनएसए के तहत तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल में बंद बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। और इस वक्त की जो मनीष कश्यप से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है वो पश्चिमी चंपारण से है। दरअसल आज यानी कि 27 जून को एक मामले में मनीष कश्यप को सशरीर कोर्ट में पेश करना था। जेल प्रशासन को इसको लेकर बजाफ्ता आदेश भी जारी किया गया था पश्चिमी चंपारण की कोर्ट की ओर से, लेकिन आज भी मदुरई जेल प्रशासन ने मनीष कश्यप को बिहार में पेशी नहीं कराया है। इसके बाद अब कोर्ट ने रिमाइंडर वारंट जारी किया है और साफ तौर पर निर्देश दिया है कि हर हाल में मनीष कश्यप को आप सशरीर कोर्ट में हाजिर कराएं। देखिए, फर्जी वीडियो प्रकरण के मामले में मनीष कश्यप पर एनएसए लगा और वो फिलहाल तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन मनीष कश्यप ने जब सरेंडर किया था खुद को 18 मार्च की तारीख थी जब पश्चिमी चंपारण के जगदीशपुर थाने में मनीष कश्यप ने सरेंडर किया था, आत्मसमर्पण किया था, और उसके बाद ईओयू की टीम लेकर वहां से रवाना हो गई थी। जबकि मनीष कश्यप की पेशी भी करानी थी लेकिन पेशी नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट ने मदुरई जेल प्रशासन को पत्र लिखा और साफ तौर पर निर्देश दिए कि हर हाल में उसकी पेशी कराएं, आप कोर्ट में सशरीर उपस्थित कराएं। लेकिन कोर्ट ने अनुरोध किया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हम मनीष कश्यप की पेशी कराते हैं, जिसे साफ तौर पर कोर्ट ने इनकार कर दिया। लेकिन अब तारीख कोर्ट ने बताया कि हर हाल में 27 जून को आप फिजिकली प्रेजेंट कराएं मनीष कश्यप को, लेकिन 27 जून की तारीख भी आज बीत रही है और मनीष कश्यप की पेशी नहीं हुई। तो इसके बाद अब कोर्ट ने सख्त रूप अपनाया है, लेकिन मदुरई जेल प्रशासन ने साफ तौर पर एक लिखित में पत्र भेजा है और ये कहा है कोर्ट से कि आप अगली तारीख दीजिए और थोड़ा सा वक्त दीजिए हमें, हम मनीष कश्यप को फिजिकली प्रेजेंट आपके कोर्ट में कराएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से तारीख थी मनीष कश्यप को कोर्ट में पेश कराने का, इंतजार चल रहा था कि मनीष मदुरई से आएंगे बिहार तमिलनाडु में। फिलहाल जो उन पर है एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज है और एनएसए के तहत वो जेल की सजा काट रहे हैं, तो ऐसे में अब अगली तारीख क्या होगी। लेकिन इस बीच क्या कह रहे हैं जिला अभियोजन पदाधिकारी, जरा वो सुनिए। सुप्रिंटेंडेंट को, जेल सुप्रिंटेंडेंट ने और अपना जो है एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित किया है कि उसको लिया जाए फॉर जुडिशियल रिमांड, और नहीं आने की वजह से जुडिशियल रिमांड नहीं हो पा रहा है और आगे की कार्रवाई जो उसका लिबर्टी है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है बिल लेने का, वो बिल प्रोसेस में बाधा हो रहा है। जब तक जुडिशियल रिमांड नहीं होगा तब तक कोई उसकी तरफ से जेल पे रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता है। और चेन्नई में वो जो है वो जेल के अंदर है, तमिलनाडु स्टेट में, और वहां से लाना है तो थोड़ी दुश्वारी प्रशासन को भी हो रही है। लेकिन लॉ कहता है कि विदाउट जुडिशियल रिमांड किसी प्रकार का कोई बेल या उसके पति कोई किसी तरह का आवेदन मेंटेनेबल नहीं है, इंटरटेन नहीं होगा न्यायपालिका में, इससे उसका लिबर्टी कटेल हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसका इफेक्ट कर रहा है। इस वजह से ये जुडिशियल रिमांड ऑर्डर नहीं हो सका, इसलिए प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसलिए जेल सुप्रिंटेंडेंट ने एक आवेदन दिया हुआ है कि हम कम समय मिलने के कारण प्रशासन से हमने कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया, प्रशासन नहीं बुला सका, एक हमको समय कम्फर्टेबल टाइम दिया जाए कि हम उसको बुला सकें प्रशासन की हेल्प से। जेल प्रशासन ने सर किससे मांगा है समय कि हमें एक समय दिया जाए? कोर्ट से मांगा है, बेतिया कोर्ट से, बेतिया सिविल कोर्ट से। तो कोर्ट ने कोई सर तारीख अभी दिया है या उस पर कुछ डेट पड़ा है? जी डेट पड़ा है। तो पश्चिमी चंपारण के जिला अभियोजन पदाधिकारी उमेश कुमार विश्वास को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मनीष की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ रही है, जब उसकी यहां पर पेशी कराई जाएगी तो थोड़ी राहत जरूर मिलेगी,
क्योंकि बेल वगैरह भी फाइल करना है। जब तक फिजिकली प्रेजेंट कोर्ट में नहीं कराया जाएगा तब तक वो नहीं कर सकते हैं। लिहाजा अब बेतिया की अदालत ने फिर अगली तारीख मुकर्रर की है और अगली तारीख को जो है वो मनीष कश्यप को देखना होगा तमिलनाडु की पुलिस बिहार लेकर आती है या फिर नहीं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।